राज्य पीसीएस की तैयारी करने वाले अपने युवा साथियों को नमस्कार। आपका वर्ष 2022 की आगामी परीक्षा 12 जून को होगी, जिसमें अब 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। आगामी 10 दिन में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। ये अंतिम 10 दिन बहुत निर्णायक हो सकते हैं आपके लिए। इस 10 दिन का उपयोग आप कैसे करते हैं, इस पर निर्भर करता है। आपने पूरे साल भर तैयारी की होगी, सारे विषयों को पढ़ा होगा, जनरल स्टडीज़ पढ़ा होगा, सीसेट की प्रैक्टिस किया होगा। अब इन 10 दिनों में आपको हमारा जो सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज़ है, उसका रिवीजन करना है। सामान्य अध्ययन में मुख्यतः हम दो पार्ट में बात करते हैं। कन्वेंशनल जीएस, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, और दूसरा करंट अफेयर पार्ट होता है। कन्वेंशनल जीएस को आपको एक दिन में एक विषय को रिवाइज कर लेना है। आगामी 10 दिन में एक दिन में एक विषय को रिवाइज आप तभी कर पाते हैं जब पिछले साल भर की तैयारी के दौरान आपने हर विषय का बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाया हो, कि आप वन लाइनर में लिख रखा हो, नोट्स बनाया हो और आप फटाफट रिवाइज करते जा रहे हैं। जितना आपका रिवीजन फास्ट होगा, कंप्लीट होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस पार्ट पे कन्वेंशनल जीएस में हमको प्रतिदिन एक विषय को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है और पूरे कन्वेंशनल जीएस को आगामी 10 दिनों के अंदर रिवाइज कर लेना है। अब उसके बाद बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए सभी साथियों ने कोई ना कोई मैगज़ीन ले रखी होगी, एनुअल कलेक्शन ले रखा होगा, जिससे आपने पढ़ाई की होगी। हो सकता है एक राउंड रिवीजन आपने और कर लिया हो। अब आगामी 10 दिनों में जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना है और उसको कवर अप करना है। तो आपका करंट अफेयर अनकन्वेंशनल जीएस पार्ट रिवाइज होता है। आपका दूसरा पेपर जो है वो सीसेट का है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इथिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंसन, इन चीज़ों पर सवाल पूछे जाते हैं। इन विषयों में रिवीजन का बहुत कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे मैथ का पार्ट है तो उसमें फार्मूलेज होते हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, और कुछ आपको लगता है जहाँ के आपका कमज़ोर है तो एक नज़र दौड़ा लीजिए। लेकिन आपका मुख्य फोकस होना चाहिए वो जीएस पार्ट पर, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन पर, उस पर आपको कवर करना है। रिवीजन आपका जितना होगा आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा रहेगा। बट अंतिम 10 दिन है, इस रिवीजन की दौड़ में कभी कभी हम जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। इस तनाव को, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम 10 दिन का समय है। अगर इसमें तनाव हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और आपकी तैयारी, आपकी परीक्षा में परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको कुछ रिलैक्सेशन करना होगा। रिलैक्सेशन के तरीके हैं कि आप अपना टाइम टेबल ठीक करें, नींद पूरी तरह से लेते रहें 6 से 8 घंटे की, समय से उठें और परीक्षा की जो समय सारणी है, जो टाइम टेबल है, उसके हिसाब से अपने सोने उठने के टाइम टेबल को मैच करें, मिलाकर चलें। ऐसा ना हो कि परीक्षा 10 बजे से 9:30 बजे से सुबह होती है और आप घर में 10 बजे सोकर उठते हैं, तो आखिरी दिन एग्ज़ाम के दिन आपकी बॉडी एग्ज़ाम टाइम टेबल में, एग्ज़ाम हॉल में उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगी और फिर आपको दिक्कत महसूस होगी। तो उससे बचना है, अपनी टाइम टेबल को एग्ज़ाम के टाइम टेबल से मिलाकर चलना है। लाइट एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, योगा मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अपने को मेडिटेट करें, जिससे कि एनर्जी एकुमुलेट हो सके। गर्मी का सीजन है, पानी खूब पिएं, हाइड्रेशन आपका मेंटेन होना चाहिए। परीक्षा के दिन लाइट फूड, लाइट स्नैक्स लेकर जाएं, बहुत हैवी ना खाएं कि पेट गड़बड़ हो जाए और आपको दिक्कत हो, एग्ज़ाम देने में परेशानी हो। तो आपका अंतिम 10 दिनों में
रणनीति ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जनरल स्टडीज़ का रिवीजन हो। सीसेट पार्ट में बहुत रिवीजन का महत्व तो नहीं है, आपने साल भर जो प्रैक्टिस की होगी वो होगा, और अपने को थोड़ा रिलैक्स करें, स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि रिलैक्सेशन के बाद रिकॉल मेमोरी अच्छी काम करती है। आप रिलैक्स रहेंगे, रिकॉल आपका अच्छा होगा, चार ऑब्जेक्टिव सवाल सवाल के जो चार ऑब्जेक्टिव आंसर्स होंगे उनको देख करके आप टिक कर सकते हैं। कोशिश करें कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर दें, दिमाग को पूरी तरह से आराम दें। दिमाग आपका फ्री रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको रिकॉल अच्छा होगा। और अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आप रिवीजन करते रहे, बार बार नोट्स पलटते रहे, तो घबराहट होगी, और घबराहट में आपको ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा कि हमें कुछ नहीं आता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को और कम कर देता है। तो लास्ट डे में कोई पढ़ाई नहीं करनी है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर देना है, सिर्फ रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को अपने ब्रेन को आराम देना है, जिससे कि एग्ज़ाम हॉल में मैक्सिमम रिकॉल कर सकें, रिकलेक्ट कर सकें। और एग्ज़ाम में एक चीज़ ध्यान रखें कि जिन सवालों के आंसर आपको एक बार में देख के आ रहे हों उनको आप तुरंत टिक कर दें। फर्स्ट राउंड में ऐसे सारे सवालों को अटेम्प्ट करिए जिनका आंसर आपको एक बार पढ़ते ही मालूम हो रहा हो, ज्ञात हो रहा हो। उसके बाद सेकेंड राउंड में आप उसमें उन सवालों को कवर करने की कोशिश करिए जिसमें कि चार ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन लग रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऐसे सवालों में रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ता है कि ये कैसे सही है और वो कैसे सही है, ए ऑप्शन कैसे हो सकता है, बी ऑप्शन कैसे हो सकता है। और जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ए नहीं होगा, बी होगा, या बी नहीं होगा, सी होगा। तो इन सवालों को भी अटेम्प्ट करें। जिन सवालों को पढ़ने के बाद आपको कोई हवा नहीं लग रही है, कोई याद नहीं आ रहा है आपको, उन सवालों को अटेम्प्ट ना करें, अन्यथा आपके मार्क्स नेगेटिव होंगे और वो आपके मेरिट को प्रभावित कर सकते हैं। तो अंतिम 10 दिनों में रिवीजन करें, स्पेशली जनरल स्टडीज़ पार्ट को, बॉडी को रिलैक्स करें, योगा, मेडिटेशन, लाइट एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपने को जहाँ तक हो सके स्ट्रेस फ्री रख सकें, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई बंद करके सिर्फ बॉडी एंड ब्रेन को आराम दें और अगले दिन एग्ज़ाम में जाएं। आगामी पीसीएस परीक्षा के लिए हमारी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद।